कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। अगर ऐसे में एक काबिल सरकार होती तो शायद ये परेशानी कुछ कम होती। पर आज देश की बागडोर भाजपा के हाथ में है, जिन्हें सिर्फ झूठ बोलना आता है, सरकार चलाना नहीं। चलिए गौर करें इस सरकार के 5 झूठे दावों पर। 1, यात्रियों की जांच। भाजपा के अनुसार भारत में कोरोना ग्रस्त देशों से आने वाले हर यात्री की जांच जनवरी से ही शुरू हो गई थी, पर सच ये है कि 4 मार्च तक अधिकतर देशों से आने वाले यात्रियों की किसी भी तरह की जांच नहीं हो रही थी, जबकि तब तक कोरोना यूरोप और अमेरिका में फैल चुका था। 2, पीपीईज और वेंटिलेटर्स की निर्यात पर रोक। भाजपा सरकार के अनुसार 19 मार्च से पीपीईज और वेंटिलेटर्स का एक्सपोर्ट बंद हो चुका था, पर 2 अप्रैल को ये खबर आई कि भारत ने सर्बिया में पहुंचाया 90 टन मेडिकल सुरक्षा से संबंधित सामान। 3, जीडीपी का 10% प्रोत्साहन पैकेज। 12 मई को मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा पेश किया गया दूसरा स्टिमुलस पैकेज देश की जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा है। असल में ये पैकेज देश की जीडीपी का सिर्फ 0.91% है। 4, प्रवासी मजदूरों के लिए निशुल्क ट्रेन यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। लाखों मजदूरों को ट्रेन से उनके घर भेजने की जिम्मेदारी जब कांग्रेस ने उठाने की बात की, तब मोदी सरकार ने एक नया झूठ रचा और दावा किया कि रेल यात्रा पहले से ही निशुल्क थी, पर इस झूठ का भांडा पहले ही फूट चुका था। 5, 16 मई से कोविड-19 का एक भी नया केस नहीं। नीति आयोग के अनुसार 16 मई से कोरोना वायरस का एक भी नया केस नहीं आना चाहिए था, पर आज देश में 1,00,000 से भी ज्यादा कोरोना केसेस हैं और 3,500 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मोदी सरकार के झूठ देश की समस्याओं को और बढ़ाते जा रहे हैं, पर हर लाचारी में अपना फायदा खोजने वाली भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।